तो तबले की बेसिक लेसन्स की सीरीज में आज हम अगला लेसन करने जा रहे हैं, वो है झपताल। झपताल 10 बीट्स। और ये अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि कितने परसेंट बज, तो ये less than 10% है। बहुत कम लोग, शायद ये भी मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, बहुत कम लोग इसमें कंपोजिशन गाते हैं। और पुराने जो गाने थे वो कई बने भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने बने हैं इसमें। और कई शब्द वगैरह भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे बने हैं। अगर मैं तो हमारे एक बात बोलूं कि जो हमारे गुरुद्वारों में एक बोला जाता है, तेरा किता जा तो नाही, ये झपताल की कंपोजिशन है। मैनू जोग कितोई मैं निर्गुण यारे, तो ये 5 मात्रा की कंपोजिशन है ये। ठीक, तो गूगल करके आप और कई कंपोजिशंस 5 मात्रा 10 मात्रा की वो आप सर्च कर सकते हैं। तो इसके बोल आज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ताल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने इसमें सोलो भी तैयार की, हमारी टीम होती थी 5 लोगों की, हम इकट्ठा प्ले करते थे। मेरे उस्ताद उस्ताद कुलविंदर सिंह जी से मैंने तबला सीखा है, तो उन्हीं के आशीर्वाद का फल है कि आज आपके सामने बैठा और उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आगे बांट रहा हूँ। ठीक, तो आज जो ताल करने जा रहे हैं उसका नाम है झप ताल 10 मात्रा। ठीक, इसके बोल हैं धेन्ना, कैसे, धेन्ना धेन धेन्ना तिन्ना धेन धेन्ना धेन। तो ये इसकी ताली खाली है। तो तबले पर इसको कैसे बजाते हैं ये देखते हैं। ओके, सो धेन ना धेन धेन ना तिन ना धेन धेन ना धेन, ये पहली मात्रा होगी। थोड़ी सी इसको चलन में लेकर आते हैं, कैसे, धेन ना धेन धेन ना तिन ना धेन धेन ना। तो तीन आप ऐसे भी बजा सकते हैं। ओके, साइड पे इसको हाथ टाइट नहीं करना, बस हल्का सा। दोबारा धेन ना धेन ना धेन। तेरा किता जा तो नाही मैनो जोग कितोई। तो ये ताल है झपताल, तिन्ना धिन धिन्ना। एक बार फिर स्लो में देखते हैं कैसे, धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन। इसकी पार्टीशन कैसे है, 4 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, 4 इसके विभाग हैं। सो पहले विभाग 2 मात्रा, 1 2, दूसरे में 1 2 3, अब तीसरे में 1 2, चौथे में 1 2 3। ठीक, सो कैसे, धेन ना तिन ना धेन धेन ना। ठीक, तो हम इसको करेंगे धेन ना तिन ना धेन ना धेन। ओके, धेन धेन ना तिन ना धेन धेन ना। इसको ज़्यादा फास्ट बजाने की ज़रूरत ही ना ही, ये इतना ज़्यादा फास्ट यूज़ में आता है। तो 3 ताल को जितना मर्जी आप फास्ट कर लो वो बढ़िया है, पर ये जो ठेके हैं, रूपक हो गया, झप ताल हो गया, ये
मध्य लय में जो है अच्छे लगते हैं और ज्यादातर कंपोजिशन इसकी इसी लय में बनती है। धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना धिन। तो ये सिंपल लेसन आज का झपताल। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसकी भी आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और जब अगली बार अगली वीडियो के लिए आप बैठोगे और इससे अच्छा बजा रहे होगे तबला। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।